पहला क्वेश्चन आप लोगों का असाइनमेंट का था, टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर एंड 40 माइक्रो एम्पियर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को वो पॉइंट खोजना था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा दोनों चार्ज के कारण। तो उसके लिए पहले आप लोग एक सिस्टम बना लीजिए जहाँ पे ए आप लोग का ये है, बी यहाँ पे प्लेस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर्स का है। उसके बाद आपका ए में चार्ज 10 माइक्रोकूलम है और Q2 में आपका चार्ज 40 माइक्रोकूलम है। अब देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट पी है और उसका डिस्टेंस ए से एक्स है, तो सब्सिक्वेंटली इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, यहाँ पे आर माइनस एक्स लिखा है क्योंकि आर को हम लोग 12 का ये समझ के रखे हैं, हम लोग यहाँ पे 12 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो 12 माइनस एक्स और एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इवेंचुअली अगर हम लोग एक्स प्लस 12 माइनस एक्स करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हम लोग को पहले से दिया था। तो पहले पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q1 के कारण वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई x² x² Q, यहाँ ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और आई कैप, जो डिस्टेंस हो, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम लोग Q2 के लिए सेम चीज कर लेंगे, Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे एट पॉइंट पी। तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है ये वाला आर माइनस एक्स, इसको 12 माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है, आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई कैप, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रहेगा और ए के कारण किस डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, अब हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट खोजना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब ये दोनों के सम E1 और E2 का सम जीरो हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट कर देंगे, फिर E1 का जो वैल्यू है यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख देंगे, सिमिलरली हम लोग E2 के लिए भी करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये माइनस आई कैप था ना, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो आर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ वाला ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, Q2 और Q1 तो आप लोगों को दिया हुआ था 10 माइक्रो कूलम और 40 माइक्रो कूलम, तो 40/10 कितना, 4 हो गया, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचा लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसको रूट ले लेते हैं दोनों साइड रूट ले लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद आर माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम लोग को इस इक्वेशन के थ्रू एक्स का वैल्यू निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब एक्स का वैल्यू 4 निकल गया, तो इससे हम लोग को ये पता चल गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 10 माइक्रो कूलम। क्यों, क्योंकि एक्स को हम लोग कंसिडर किए हुए थे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, मतलब एक्स को हम लोग ए और पी के बीच के डिस्टेंस कंसिडर किए हुए थे और ए का चार्ज कितना था 10 माइक्रो कूलम, तो उसी कारण से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए, अब आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको इस सेम मेथड से सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों को एक रेडियस ऑफ यूरेनियम दिया हुआ था। अच्छा, रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है। इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऐसा न्यूक्लियस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें चार्ज, आप लोगों को कहाँ इसके सरफेस पे निकालना है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं इसका जो सारा चार्ज है वो सेंटर पे ही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि सारा चार्ज सेंटर पे न्यूक्लिएटेड है। अब देखिए, यहां से सरफेस का डिस्टेंस क्या आएगा, जो रेडियस होगा, रेडियस यहाँ पे गिवन है। आगे बढ़ते हैं, क्यू का वैल्यू क्या होता है, जेड इंटू ई, जेड मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, ई क्या होता है, एक फोटोन पे कितना चार्ज होगा, सिंस यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वही होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग 92 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 19 कर लेंगे। आर हम लोगों को दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू है, ई के इक्वेशन में डाल देंगे, ई के इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा आंसर, 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9, क्यों, क्योंकि ये के का वैल्यू होता है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो उसी के थ्रू हम लोग 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9 किए,
92 into 1.6 into 10 power minus 19 क्यूब, यहाँ पे हम लोग का क्यू का वैल्यू निकला था। फिर आगे बढ़ते हैं नीचे, आर का वैल्यू क्यों, क्योंकि ये रेडियस होगा तो उसी के थ्रू रेडियस का वैल्यू भी आ गया, बस आंसर आ गया इस क्वेश्चन का उसी अकॉर्डिंगली। और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, रेडियली आउटवर्ड्स। आप लोगों को पता है ना, एक तो स्मॉल सा अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है क्योंकि, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स। बस ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या था, टू पॉइंट चार्जेस प्लस टू माइक्रोकुलम एंड माइनस टू माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और इसका सेकेंड पार्ट था, इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 ऑफ 9 कूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। चलिए ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग Q1 Q2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइक्रो कूलम में दिया ना तो कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 10 पर माइनस 6 कूलम और माइनस 2 इंटू 10 पर माइनस 6 कूलम। यहाँ पे हम लोग का Q1 Q2 का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.1 मीटर आएगा। अब देखिए आप लोग क्या कहा गया था, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये एक P हम लोग है मिड पॉइंट, तो अगर इसका टोटल का एस और आर के बीच का अगर टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में लिखा है कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग पहले 0.1 मीटर किए, उसके बाद अगर इसका हाफ वे थ्रू का डिस्टेंस निकालना है तो कितना आएगा 0.05 मीटर, तो ये डिस्टेंस जो है ये 0.05 मीटर। सिमिलरली यहां से यहां भी 0.05 है क्योंकि हाफ वे थ्रू है। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी Q1 और Q2 दोनों के कारण होगा, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट पी। इक्वेशन बना लेते हैं, 1/4πε0 Q1 बाय आरपी स्क्वायर। आरपी क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि 0.05 होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग एस्टैब्लिश किए हैं उसको। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी पीएस स्क्वायर, पीएस भी क्या है 0.05, ये इक्वेशन बना हम लोग। ऊपर हम लोग के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ कर दिए दोनों में, 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, 0.05 square, 0.05 square, जो कि डिस्टेंस है दोनों के बीच। इस दोनों को एडिशन करते हैं तो क्या आएगा, 7.2 × 10⁶ प्लस 7.2 × 10⁶, सम आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वहां पे, 14.4 × 10⁶ न्यूटन बाय कूलम, ये आपका आ गया। अब सेकेंड पार्ट क्या हुआ था, इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁹ इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज, ये माइनस 9 होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 10⁻⁹ होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स ऑन अ बॉडी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस बॉडी का क्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁹, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे तो हम लोग अभी पार्ट ए में कैलकुलेट किए ही हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 1.4 × 10⁶, -2.3 आ गया अलोंग पी आर, ठीक है, अलोंग पी आर इस डायरेक्शन में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, आप लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रिंसिपल बेस्ड है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग को हम सब पार्ट्स भी दिए थे। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन लेके सॉल्व कराए हैं, ठीक है, एक आपका जहाँ पे 60 सेंटीमीटर अवे है और एक आपका 50 सेंटीमीटर अवे है, ये दोनों आप लोग को समझ आ जाएगा तो बाकी तीन भी उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं जो कि हम लोग को कंडीशन दिया है उसके लिए, क्या दिया है, इफ चार्ज क्यू एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स स्ट्रेंथ मेजर्ड
अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर अवे इज 40 न्यूटन बाई कूलम। चलिए ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है के, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर जो कि है 40 न्यूटन बाई कूलम यहां पे दिया हुआ है। आर यहां पे क्या होगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है मेजर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 40 न्यूटन बाई कूलम, तो ये हम लोग लिख लिए आर स्क्वायर। अब देखिए इस कंडीशन में आपको कितना लेना है 60 सेंटीमीटर अवे, तो अगर आर 30 है तो 2R आपका 60 सेंटीमीटर होगा, तो R के जगह यहाँ पे 2R लिख देंगे हम, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 1/4 को करेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम हो गया, तो अब इस इक्वेशन के जगह हम 40 न्यूटन बाई कूलम को इंसर्ट कर देंगे, तो 40/4 हो गया क्योंकि 1/4 मेरा यहाँ पे आया हुआ था 2R स्क्वायर करने से, तो 4R, ये 2R को अगर स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो गया, तो 4 बाहर कर लेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 40 न्यूटन बाई कूलम है, तो 1/4 कर देंगे तो 10 न्यूटन बाई कूलम आ जाएगा, ये बाई होगा यहाँ पे, 10 न्यूटन बाई कूलम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब सेकेंड पार्ट क्या था 15 सेंटीमीटर में, सेम चीज से करेंगे। अब के क्यू बाई आर बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर अगर 30 है तो R by 2 ही ना 15 होगा, तो R by 2 square, अब उसको अगर हम लोग करेंगे तो R square by 4 square होगा, 4 ऊपर चले जाएगा numerator में, 4KQ by R square, तो अब KQ by R square का value तो आपको पता है क्या है 40 newton by coulomb, तो 40 को यहाँ पे डाल दो, ये आपको लोग को शायद क्लियरली दिख रही है, ये है 40, 4 into 40 160 newton by coulomb, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया है, अगर ये आ गया है तो बाकी 3 भी आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, तो ठीक है आप लोग बाकी बनाइए अच्छे से। चलिए थैंक यू, आई गेस आप लोग का यहाँ तक डिस्कशन खत्म हो गया है, थैंक यू वेरी मच।